शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ चादर में लिपटने वाले, उठो अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो और इस नियत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसको हर तरह के सामान में वसत दी, फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है। मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर व फिक्र किया और एक बात ठहरा ली, ये मारा जाए इसने कैसी तजवीज की, फिर ये मारा जाए इसने ये कैसी तजवीज की, फिर इसने निगाह की, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया, फिर कहने लगा ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है, फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है, मैं अन करीब इसको सकर में दाखिल करूंगा और तुम क्या समझे कि सकर क्या है, वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी, उस पर 19 दारोगा हैं और हमने दोजख के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं, और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और जो काफिर हैं कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है, इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ हाँ कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है इंसान के लिए, डर की चीज, यानी उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बायस गिरफ्तार होगा मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से कि तुम दोजख में क्यों पड़े, वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे यहां तक कि हमें मौत आ गई, तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी, इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगरदां हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल यह है कि इनमें से हर शख्स यह चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं, कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे, वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ करने वाला है।